नमस्कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कल भगवान रामलला की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरा देश राममय नजर आ रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बंगले को भी भगवा रंग से सजाया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह के बंगले की तस्वीर आप देखिए, जहां भगवा रंग की लाइटों से राजनाथ सिंह के बंगले को सजाया गया है। और आप देख रहे हैं ये ध्वज, जिसमें श्री राम की प्रतिकृति और श्री राम की तस्वीर नजर आ रही है। जय श्री राम से पूरा देश जो है गूंज उठा है। इसके साथ ही कण कण में राम और हर मन में राम की जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बंगले की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां उनके पूरे घर को भगवा रंग की लाइटों से सजा दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो मंदिर हैं वो भी बहुत ही खूबसूरती से सजा दिए गए हैं। तो उत्सव है, उत्सव का माहौल है, उत्साह है हर तरफ। और ऐसे में 22 जनवरी की तारीख को दिवाली के जैसे मनाया जा रहा है, मानो जैसे दीपावली हो। और जिस तरीके से दीपावली के पर्व को, पर्व के मौके पर घरों को सजाया जाता है, लाइटों से साफ सफाई की जाती है, ठीक इसी तरह आप मंदिर से लेकर तमाम जो लोगों के घर हैं उन्हें देखेंगे लाइटों से सजे हुए होंगे। और ठीक इसी तरह राजनाथ सिंह का भी ये बंगला आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। जगदलपुर में दलपत सागर में लेजर शो हुआ है और आतिशबाजी की गई है। पूरा माहौल दिवाली की तरह लग रहा था। 3 लाख दियों से दलपत सागर को रोशन किया गया। बहुत ही दिव्य और भव्य नजारा जगदलपुर का आप देख रहे हैं। बस्तर में राम उत्सव, दलपत सागर जगमग हुआ 2 लाख दियों से। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अपने, 3 लाख दियों से दलपत सागर को रोशन किया गया। तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद रही। दीपावली के पर्व के मौके पर जिस तरीके से दीप जलाकर राम के स्वागत के लिए रोशन किया जाता है पूरे शहर को, ठीक इसी तरह एक बार फिर से राम आ रहे हैं और इसीलिए हर तरफ दीप जलाया जा रहा है। और आप जगदलपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां 3 लाख दियों से दलपत सागर को रोशन किया गया। तमाम जो राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो अयोध्या नहीं गए लेकिन जहां पर वो हैं वहीं पर तैयारियां कर रहे हैं। भगवान राम के आने की खुशी हर तरफ दिखाई दे रही है। तो धर्मनगरी शिवरी नारायण धाम में अब रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। इस भव्य महोत्सव में पूरे देश में पूरे शहर को राम भक्तों द्वारा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। साथ ही महानदी में बने कई घाटों पर आज हजारों की संख्या में दीप दान कार्यक्रम किया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के गौरवशाली पल को पूरी शिद्दत से मनाने के लिए शहरवासी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, रंगोली बनाया जा रहा है। कहीं पर तो दीप जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर रंगोली बनाया जा रहा है। वो खुशी है श्री राम के आने की और इसीलिए रंगोली के साथ साथ दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये 500 वर्षों का जो संघर्ष था कल जो है वो पूर्ण होने जा रहा है। और इसी का जो है हम लोग जो सब खुशी मना रहे हैं यहाँ पे। और इस तारतम्य में हम लोग लगभग विगत 7 दिन से पहले सुबह जो है प्रभात फेरी निकालते हैं और उसमें लगभग समझ लो 100 से ऊपर लोग रहते हैं। और उसके बाद आज का जो है 21 तारीख को आज शाम को जो है वह चौपाटी में हो गया या रामघाट हो गया, हमारा काली घाट हो गया, रपटा घाट हो गया, यहाँ पे दीप सज्जा का कार्यक्रम है। और अभी एक आप देखेंगे उधर आप जाएंगे तो सब देखेंगे वहाँ पे एक रंगोली कार्यक्रम अभी चल रहा है अभी उसमें। और कल जो है विगत उस पर कल सुबह जो है यहाँ पे भव्य एक सुबह शोभा यात्रा रहेगी, जिसमें सुबह आपको बाल भोग मिलेगा,
दोपहर में आपको जो है भोजन की व्यवस्था है और रात में जो है कार्यक्रम के उपरांत जो है भोग की व्यवस्था है आपकी। कुल मिला के शिवनारायण धाम पूरी तरह से राममय हो गया है। कैलाश के साथ न्यूज 18 शिवनारायण जांजगीर चांपा। और अब आपको रायपुर की तस्वीर दिखाते हैं जहां आप देखेंगे कि राम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्सव जैसा माहौल है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की गई। इस रंगोली को 19,000 वर्ग फीट में तैयार किया गया, जिसके लिए करीब 8,000 किलो धान का इस्तेमाल हुआ है। धान से बनाई गई ये रंगोली अब लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में तैयारियां चल रही है और ऐसा ही कुछ खास नज़ारा भगवान राम के ननिहाल में भी बन रहा है। भगवान राम के ननिहाल से 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें पहला रिकॉर्ड प्रभु राम की रंगोली से बनाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रंगोली बनकर तैयार है। इस रंगोली में धान का इस्तेमाल किया गया और करीब 8,000 किलो धान से ये रंगोली जो है तैयार की गई है। रंग बिरंगे धान से ये रंगोली जो है तैयार की गई है और बेहद ही सुंदर ढंग से इस रंगोली को जो है वो बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी संघ के 40 सदस्यीय टीम के द्वारा ये रंगोली जो है पूरी तरह से तैयार की गई है और लोगों के लिए ये रंगोली जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग धीरे धीरे करके इस रंगोली को जो है वो देखने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी 2 रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में जो है वो बनाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से 501 बच्चों की जो है राम के वेशभूषा के साथ झांकी भी जो है निकाली जाएगी। इसके साथ ही 2,000 फिट लंबा जो है गमछा भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज को अयोध्या के लिए न्योता मिला है। 100 सालों से भी ज्यादा समय से इस समाज में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। क्या है ये परंपरा, इस रिपोर्ट में देखिए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय के बिलाईगढ़ से 4 किलोमीटर दूर चांदली डी गांव है, जहां पर इस समाज के लोग रहते हैं, जिनके पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गोदना कहते हैं। इनके पूरे शरीर पर टैटू गुदवाने के पीछे एक सामाजिक वजह है। 100 साल पहले गांव में ऊंची जाति के लोगों ने इस समाज को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही इन्होंने विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाना शुरू कर दिया। पूर्वज के लोग बताते हैं कि जब हमारे पूर्वज को लोगों को मंदिर में जाने से प्रवेश निषेध कर दिया गया है एकाएक, तो हमारे पूर्वज ने अपने शरीर में ही राम राम नाम लिखा कर अपने शरीर को ही मंदिर लगाया। इस समाज के एक शख्स गुला राम कहते हैं, दुनिया में राम ही एकमात्र सच है, हमें उनका नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा मानना है कि राम नाम कड़कड़ में बसा, चार चार सचराचर सब में बसा, चीटी से लेकर हाथी तक राम नाम कड़कड़ में। आप हमें मूर्ति से तो परिचय निषेध कर सकते हैं, हमारे मन में जो तन में जो घटघट में जो राम नाम बसा। राम नामी समाज के 5 प्रमुख प्रतीक हैं, भजन खाब या जैत खाब, शरीर पर राम नाम का नाम गोदवाना, सफेद कपड़ा ओढ़ना जिस पर काले रंग से राम नाम लिखा हो, घुंघरू बजाते हुए भजन करना और मोर पंख से बना मुकुट पहनना। इस समाज को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का न्योता मिला है। योगेश यादव, बल्लभाजा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
अंबिकापुर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 22 जनवरी को गांधी स्टेडियम में 1,00,000 दिया जलाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण किया जाएगा। भव्य आतिशबाजी करने की भी तैयारी चल रही है। जांजगीर चांपा में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिवरी नारायण में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी पहुंचेंगे। सीएम यहां सभी राम भक्तों के साथ कार्यक्रम का प्रसारण देखेंगे और स्थानीय मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। कल जो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसका लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवरी नारायण का चयन किया है। और यहाँ पर क्योंकि बड़ा ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हमारी नगरी का है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और यहाँ से जो अन्य श्रद्धालु हैं, जो पूरा जब छत्तीसगढ़ जो राममय हो रखा है, उसी का एक अंश आपको यहाँ भी दिखेगा और यहाँ पर उसी का लाइव टेलीकास्ट की पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से कर ली गई। इसके अलावा और सीएम साहब के क्या क्या कार्यक्रम हैं कल? उनमें मुख्यतः मंदिर दर्शन रहेगा और यहाँ पर उनका उद्बोधन रहेगा और कला के कुछ और कार्यक्रम भी रखे गए हैं जो आपको कल विस्तृत रूप से बताएंगे। 22 जनवरी का देश भर को इंतजार है। आखिर 500 सालों का इंतजार जो खत्म होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पल पल में युग युग में हर